भूषण ज्वेलर्स। अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा 41 पैसे कम करने का ट्रक ऑपरेटरों ने कड़ा विरोध किया है। विरोध में ऑपरेटरों ने शनिवार शाम को सीमेंट ढुलाई नहीं की थी, हालांकि रविवार को ढुलाई बहाल कर दी थी। मांगल परिवहन सहकारी सभा ने कहा कि अभी सीमेंट ढुलाई नहीं रोकेंगे, सोमवार को कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी तो अगली रणनीति भी बनाएंगे। रविवार को सभी सहकारी सभाओं के ऑपरेटरों ने बागा में बैठक कर कंपनी के किराए कम करने के एक तरफा फैसले का विरोध किया। बताया गया कि अल्ट्राटेक में अभी तक ऑपरेटरों को मल्टी एक्सल और छोटे ट्रकों का सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा प्रति किलोमीटर प्रति मीट्रिक टन 10.71 रुपए मिल रहा था, लेकिन उसे कम कर अब 9.30 रुपए कर दिया है। इसमें ऑपरेटरों को 1.41 पैसे का नुकसान हुआ है। वहीं छोटी गाड़ी का किराया 10.71 से 10.30 रुपए कर दिया है। बागा में रविवार को अल्ट्राटेक परिवहन सभाएं समन्वय समिति के अध्यक्ष कैप्टन भगत राम के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया कि कंपनी ने जो एक तरफा फैसला लिया है वह ऑपरेटरों को मंजूर नहीं है। समिति के सलाहकार दौलत सिंह ठाकुर ने कहा कि अल्ट्राटेक में अडानी कंपनी का मॉडल नहीं चल सकता, क्योंकि अल्ट्राटेक में परिस्थितियां अलग हैं। अल्ट्राटेक को अपनी नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि ऑपरेटर फिलहाल सीमेंट ढुलाई बाधित नहीं करेंगे। सोमवार को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में 23 फरवरी के बैठक के सारे मुद्दे रखेंगे। कंपनी प्रबंधन नहीं माना तो ऑपरेटरों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक बागा में 3 परिवहन सभाओं के 3,500 ट्रक ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई करते हैं। कंपनी के इस फैसले ने उनकी कमर तोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।